हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, ये 3 टन का एसी है और ये एसी का 2 दिन पहले ही कंप्रेसर चेंज हुआ है और 2 दिन एसी ये सही चला है। उसके बाद इसका कंप्लेन आ गया है कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। जब मैं एसी को नीचे से थर्मोस्टेट से चालू करके आया हूँ, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एम्पियर भी शो कर रहा है, यानी इनडोर चल रहा है, आउटडोर नहीं चल रहा है। तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एकदम नया कंप्रेसर है और इसका 3.8 का ड्रायर फिल्टर भी 2 दिन पहले ही लगा हुआ है। एकदम नया ड्रायर फिल्टर है और कंप्रेसर भी नया है। तो आइए ओपन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एसी चल नहीं रहा है। और आप अभी तक मेरे वीडियो पर चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली एसी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, एसी को मैंने फुल बॉडी ओपन कर दिया हूं, आप देख पा रहे हैं ये एकदम ये बिल्कुल नया कंप्रेसर है। ये 2 दिन पहले ही कंप्रेसर लगा हुआ है। ये एलजी का मशीन है, लेकिन ये डाइकिन का इसका इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है। ये पहले जब नए एसी आया हुआ था तो उसी टाइम से डाइकिन का ही कंप्रेसर था इसमें। ये स्क्रॉल कंप्रेसर है। तो दोस्तों, एकदम नया कंप्रेसर है और उसके बाद भी इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है जिसके वजह से एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आइए इसका कंट्रोलर देख लेते हैं जहाँ पे कॉन्टैक्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं। दोस्तों, ये इसका कंट्रोलर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर का ये जो आप वायर देख पा रहे हैं हार्ड हो गया, हार्ड होने की वजह से टूट गया है और ये कभी भी धोखा कर सकता है। ये कभी भी बॉडी में टच होगा, ये लोहे का बॉडी है, कभी भी टच होगा तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, जिसके वजह से एसी का एमसीबी भी ट्रिप हो सकता है और एसी खराब भी हो सकता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं इसका ये पॉइंट है, ये जला हुआ है, ये पॉइंट जला हुआ है, ये पॉइंट फेस का है, ये फेस का है, ये जो पॉइंट है न्यूट्रल का है। तो न्यूट्रल का वायर यहाँ से जल गया है, न्यूट्रल का वायर यहाँ पर जला हुआ है, आप देख पा रहे हैं, जिसके वजह से इसको न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है लेकिन न्यूट्रल जो है आउटपुट नहीं हो रहा है, आउटपुट होगा कैपेसिटर में नहीं आ रहा है, जिसके वजह से हमारा जो फैन मोटर है और कंप्रेसर है नहीं चल रहा है। ये वायर क्या होता है, लोड पड़ने की वजह से गर्म होता है, गर्म होने की वजह से ये स्पार्क होके या तो यहाँ से हार्डली होके टूट जाता है। तो इसमें वही प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ये हार्ड वायर है वो पूरा बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, हार्ड होने की वजह से ये टूट गया है। जैसे कि ये भी हार्ड होने की वजह से यहाँ पे अभी प्लास्टिक पूरा छोड़ रहा है। तो दोस्तों, इसमें ये पॉइंट न्यूट्रल का पॉइंट जलने से ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वायर को चेंज करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कंप्रेसर तो नया है लेकिन प्रॉब्लम जो है ये वायर का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ गया, जो एसी इंडोर चल रहा है आउटडोर नहीं चल रहा है जबकि नया कंप्रेसर है। तो आइए दोस्तों, पहले इस वायर को चेंज करके एक बार कॉन्टैक्टर पूछ करके देख लेते हैं, अगर चलने लगेगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ, आप देख पा रहे हैं ये रेड वायर को मैंने न्यूट्रल बना दिया हूँ। ये न्यूट्रल यहाँ से आ रहा है और ये न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, ये फेस यहाँ आ रहा है और फेस यहाँ से मिल के कंप्रेसर के कॉमन में जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा वायरिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। और ये वायर क्या होता है, जलने का रीज़न होता है, वायर हार्ड हो जाता है काफ़ी पुराना होने की वजह से, और क्या होता है कि वो जल जैसे प्रॉब्लम आता है। तो आइए एक बार चालू करके देख लेते हैं कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चलता है। दोस्तों, एसी मैंने फ़िलहाल चालू किया हूँ, अब मैं क्या करता हूँ एक बार कॉन्टैक्टर पुश करके देख लेता हूँ। ये कॉन्टैक्टर आप क्लैम मीटर पर देखिएगा कितना एम्पियर जा रहा है। दोस्तों, 12-13-14 एम्पियर तक जा रहा है, यानी हमारा एसी सही हो गया। अब यहाँ से आइसोलेटर बंद कर लेते हैं, यानी एक केवल वायर जलने की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ था, यानी इसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा था। अब न्यूट्रल नहीं मिलेगा, फेस मिलेगा तो एसी बिल्कुल भी नहीं चल सकता, या तो न्यूट्रल मिले फेस ना मिले तो एसी नहीं चल पाएगा। तो यही रीज़न था जिसके वजह से प्रॉब्लम हो गया था, इंडोर चल रहा था आउटडोर नहीं चल रहा था। दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।